हेलो गाइस, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि लेडीज शर्ट की नाप कैसे ली जाती है। मेरे को स्पेशली डिमांड आ रही थी कि मैम आप हमें लेडीज शर्ट की पूरी नाप बताइए और शर्ट की बाजू की नाप बताइए। तो आज मैं आपको लेडीज शर्ट की पूरी नाप एंड बाजू की नाप लेना बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो नाप लेना स्टार्ट करते हैं। तो शर्ट की नाप में गाइज अपन सबसे पहले लेंगे लंबाई। तो देखिए गाइज, लंबाई है ये शर्ट की। आप शर्ट नहीं भी हो तो जैसे क्लाइंट आपको बताता है उस हिसाब से आपको लेना है। तो गाइज अपन शर्ट की लंबाई आ रही है 21 इंच, तो आपको साइड में लिख लेना है कि कितनी कितनी नाप है क्लाइंट की, तो उस हिसाब से अपन को नाप लेनी है। तो शर्ट की लंबाई आ रही है 21 इंच। अब 21 इंच शर्ट की लंबाई हो गई अपनी, और अब लेंगे अपन सीना। तो देख सकते हैं गाइज, तो आपको इंची टेप को बिल्कुल खींचना नहीं है, एकदम से बिल्कुल ऐसे इस तरीके से, घूमे भी नहीं इंची टेप, और बिल्कुल बराबर से लेना है। तो देख सकते हैं गाइस, 38 इंच आ रहा है अपना, 38 इंच हो गया सीना। अब नीचे लेंगे अपन कमर, ये देखिए 36 इंच अपनी कमर आ रही है। ज्यादा खींच के भी नहीं लेना, ज्यादा आपको लूज भी नहीं लेना, मैं ले रही हूँ उस हिसाब से लेना है आपको। 36 इंच आपकी कमर आ रही है, तो आपको साइड में लिख लेना है कि कितनी कितनी नाप है। और पेट की भी नाप आपको जरूर लेनी है, क्योंकि हेल्दी होते हैं तो उनका पेट थोड़ा भारी भी होता है, तो आपको पेट की भी नाप जरूर लेना है शर्ट में। तो ये देख सकते हैं 40 इंच पेट आ रहा है। अब कईयों का क्या होता है कि सीना कम होता है, पेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको पेट की भी नाप लेनी है। तो देख सकते हैं गाइस, 40 इंच अपना पेट आ रहा है। तो अपनी लंबाई हो गई, मोटाई हो गई। अब आपको लेना क्या है कि ये जो कंधे लेने हैं, तो देख सकते हैं इस हिसाब से आपको इंची टेप को लेना है, और ऐसे। अब दोनों साइड ये नीचे उतर रही है बाजू, आपको नीचे नहीं उतारना, आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतारना है। तो गाइस 17 इंच आ रहा है, ऐसे आपको लेना है ये कंधे। अब कंधे अपने 17 इंच पे आ गए, तो 17 इंच जहां पर आया है वहां से अपन को बाजू की लंबाई लेना है। गाइस आप बोल रहे थे कि आप मैडम हमको बताइए कि बाजू की लंबाई हम कैसे ले, तो मेरे को बताना है, तो मेरे को डिमांड आ रही थी कि मैम आप बाजू की लंबाई अच्छे से बताइए। तो आपको जहां पर ये 17 इंच का कंधा रखा था वहां से लेना है आपको बाजू की लंबाई। तो देख सकते हैं गाइज, यहां पर अपना 17 इंच आया था, ये नीचे उतर रही है थोड़ी, तो अपन को नीचे नहीं उतारनी क्योंकि फिटिंग अच्छी नहीं लगती, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ। ये देख सकते हैं 19.5 पे आ रही है अपन की लंबाई। अब जहां पर 19.5 की लंबाई है वहां से अपन को मोटाई भी ले लेना है। ये देखिए 7 इंच आ रहा है अपना, इंची टेप बिल्कुल लूज भी नहीं हो और घूम भी नहीं रहा हो, ऐसे लेना है। तो 7 इंच हाथ की मोटाई आई है नीचे से, यानी पोंछे आ रहे हैं, और यहाँ से लंबाई आई है 19.5 इंच। अब तो बाजू में आपको एक और नाप ले लेनी है, कि यहाँ से आपको एक नाप और ले लेनी है हल्की सी, अंदाजे के लिए कि कितनी आएगी, यहाँ पे फिटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा ले लेना है यहाँ पर कि थोड़ा बीच में। तो ये 14 इंच आ रहा है। इस तरीके से आपको 3 नाप लेनी है बाजू की, और कुछ भी नहीं लेना, बाकी आपको कुछ भी नहीं लेना, ये 3 नाप लेनी है। एक तो बीच में से ले लेना है, एक लंबाई ले लेनी है, और एक पोंछे की ले लेनी है। गाइस इस तरीके से अपन की शर्ट की नाप एकदम कंप्लीट हो गई है। आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो गाइस मेरे को पूछ सकते हैं दोबारा से, मैं फिर से भी बता दूंगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बाजू की नाप कैसे लेनी है। और आपको अगर बाजू की कटिंग समझ में नहीं है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं कटिंग करके भी बता दूंगी स्पेशली बाजू की। तो धन्यवाद गाइस।